मैं ऐसी पूछ रहा हूँ, नॉट अबाउट पर्दे में रहने दो स्पेसिफिकली, कभी ऐसा होता है टू यू गाइस आई एम आस्किंग कि अगर कोई एक एक्टर हो या कोई समबडी ऑन सेट जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इंड्यूस कर रहा हो सेट पे, हाउ डू यू हैंडल दैट? स्टीयर क्लियर ऑफ देम. सो दूर है माय अब अपने मुंह मियां मिठू नहीं होना चाहती, बट देड एग्री आई कम विद अ वेरी लाउड पॉजिटिव एनर्जी, आई वॉक ऑन सेट राइट. सो या तो वो मेरे साथ मिलके खुश हो जाते हैं या मुझे उनकी समझ नहीं आती तो मैं साइड पे ही रहती हूँ, तो वो बैलेंस हो जाता है. व्हाट अबाउट यू? मुझे आई आल्सो स्टे क्लियर ऑफ नेगेटिविटी. मैं खुद बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मुझे नहीं पसंद के लोग मेरी एनर्जी डाउन करें या मेरी वाइब डाउन करें, तो मुझे बट ऐसे लोग होते हैं, डू यू एग्री कि कुछ लोग होते हैं सेट पे? बिल्कुल होते हैं, काफ़ी लोगों के साथ इस तरह काम भी किया है और पूरा पूरा प्ले भी गुजारा है. और मगर मुश्किल होता है कि आप अपने यू माइंड योर ओन बिजनेस एंड यू जस्ट डू योर वर्क एंड ट्राई टू बी एज प्रोफेशनल एज यू कैन एंड नॉट गेट इन्वॉल्वड इन देयर पर्सनल व्हाटएवर इज हैपनिंग. नो मैटर उनके प्रोफेशनल भी अगर मसले चल रहे हो, आपका मसला नहीं है, आप उस मसले से दूर रहे. आल्सो यू नेवर नो यू नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू पर्सनल लाइफ में, क्या हो रहा है, सो यू कांट इवन जज और पास अ कमेंट. लेकिन मुझे हारिया मुझे ऐसा लगता है कि यू नो दैट हैम्पर्स वर्क आल्सो. अगर कभी कभी कोई एक पर्सनल ग्रज किसी का हो अपने ही दिमाग से हो, मेरे ख्याल से वो काम खराब करने में भी हो जाता है. बिल्कुल है ना. आई थिंक बहुत आई थिंक वो प्रोड्यूसर्स का मसला ज्यादा होता है एंड आपकी कंप्लेंट प्रोड्यूसर से होनी चाहिए कि आप इस हल को जरा सॉल्व करें. आप अगर पर्सनली उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर ये आपका भी मसला हो जाएगा. तो बेहतर है कि जस्ट स्टे क्लियर ऑफ इट, ट्राई टू कीप योर एनर्जी एंड योर हैप्पीनेस इंटैक्ट एंड गेट नजर आ जाता है, हमेशा नजर आ जाता है ना, तो आ जाता है अपने काम में भी और उसमें भी कि नहीं ये आज की जो गड़बड़ थी बहुत कम होती है. बट मुझे लगता है आज सीन बहुत बुरा हुआ है और रीशूट होना चाहिए या वो एक्टर चेंज होना चाहिए. इन दोनों में से एक काम होना चाहिए. मुझे पता ही आप क्यों कह रहे हैं. लेकिन वजाहत बहुत दफ़ा ऐसा होता है और ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि कभी कभी कुछ एक्टर्स सेट पे डायरेक्टर बन जाते हैं कि नहीं 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 ये ऐसे होना चाहिए. हाउ डू यू हैंडल दैट? मेरे साथ लकली नहीं हुआ. किसके साथ हुआ है? के साथ. हाँ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. डिस्कशन इज ओके. एक्टर का राइट है कि आपसे डिस्कस करे और ये भी कहे कि यार मेरा ख्याल इसको मैं इसके बजाय ऐसे कर लूँ. एंड आई अप्रिशिएट दैट व्होएवर इज वर्क विद मी. बट वो जो आपने नेगेटिविटी की बात की ना, ट्रबल मेकर, वो ख़राब करेगा आपका काम. करते हैं ना वास्ते. आपको डिप्रेशन होती है, आपको गुस्सा आता है, आपको पता होता है आज बहुत बुरा काम हुआ है. और मैंने एक आध बार शाहजी को कहा भी था कि लेट्स जस्ट ईदर चेंज द एक्टर, क्योंकि ये तो बहुत बुरा हुआ है आज का सारा सीन. तो फिर ये और दो चार लोगों ने समझाया कि नहीं ऐसे नहीं होता, बहुत नुकसान हो जाता है. तो देखिए कभी कभी लोग सीनियरिटी का फायदा उठा के कहते हैं नहीं हम डायरेक्टर, वो सेट पे डायरेक्टर बन जाते हैं. ये हो तो गया यार, वहाँ से शॉट लिया था ना. हाँ तो हो गया, फिर क्यों ले रहे हो यहाँ से? हाँ और आप बोल भी नहीं सकते शाजी, आप कैसे? मैं तो बोल सकता हूँ. बोल देते हैं. आई एम टू न्यू राइट नाउ टू प्रोबेबली ही इज कम टू अ स्टेज कर सकता है. पोलाइटली एक इंसान बात की जा सकती है और ये किया जा सकता है कि चले एक मेरा एक आपका. बट वही वाली बात है कि देर लॉट ऑफ पीपल हु आर डायरेक्टर्स, वो सेट पे नहीं कुछ कहते नहीं बोलते हैं. बट वो कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं कि जिनका ये है, फिर आप आगे नेक्स्ट टाइम उनके साथ काम ना करें. And I'll give you one name, who's a great director and an actor, मरीना खान. मरीना खान. वो जब एक्ट कर रही होती हैं तो चू नहीं करती डायरेक्टर को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लें, दिस इज प्रोफेशनलिज्म. ये होता है इसको, उसके लिए बड़ा तालियां बजानी चाहिए. बड़ा ड्रम मरीना खान. यस एब्सोल्युटली आई एग्री. ये आप सही कह रहे हैं.